तो आगे देखते हैं, हमारे पास डिफरेंस है। डिफरेंस किसके बीच में? औपचारिक श्रमिक और अनौपचारिक श्रमिक, ठीक है ना। इनके बीच में हम फटाफट से डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्षेत्र की बात करें तो संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को औपचारिक श्रमिक कहा जाता है। किसमें? संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, एक फॉर्मल सेक्टर में, जो हमारा फॉर्मल सेक्टर होता है उसमें जो काम करते हैं ना लोग, उन्हें क्या कहते हैं? औपचारिक श्रमिक कहते हैं। अब ये कौन से, मैंने बताया था अभी डेफिनेशन पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है ना। तो उसमें मैंने कहा था कि 10 या 10 से अधिक जिसमें क्या श्रमिक काम करते हैं, क्या करते हैं? 10 या 10 से अधिक जिसमें श्रमिक काम करते हैं वो हमारा कौन सा होता है? औपचारिक हमारा जो संगठन था वो होता है, ठीक है ना। औपचारिक क्षेत्र बोल सकते हो आप। तो संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को औपचारिक श्रमिक कहा जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को अनौपचारिक श्रमिक कहा जाता है। समझ में आ गया पहला पॉइंट? पहला पॉइंट में मैंने क्या बोला, जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो कौन से हो गए? औपचारिक श्रमिक। और जो असंगठित क्षेत्र में काम करेंगे वो कौन से हो गए? अनौपचारिक श्रमिक, ठीक है ना। संगठित असंगठित बेटा वही है, ठीक है ना। औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र बोलो, या आप फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर बोलो इंग्लिश में, वही है, ठीक है ना। तो इसमें 10 या 10 से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं, इस वाले क्षेत्र में क्या है हमारे? 10 से कम करते हैं, ठीक है ना। चलो सामाजिक सुरक्षा के लाभ, ये श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के लाभों के क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। इसका मतलब इनको सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त होते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, और अभी शायद पार्ट फर्स्ट में भी बताया था मैंने आपको कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में आता है आपका जैसे प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि होता है ना, पेंशन, ग्रेच्युटी यानी उपदान, ठीक है। तो ये जो ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिलता है, पेंशन का बेनिफिट मिलता है, प्रोविडेंट फंड, ये पीएफ होता है ना, जो ये सब के बेनिफिट इनको मिलते हैं। किसको? औपचारिक श्रमिकों को ये सब चीजें मिलती है। भविष्य निधि, उपदान, आप लिख लो, भविष्य निधि हो गया, उपदान हो गया इसके ब्रैकेट में, और पेंशन हो गई, ये सब इनके बेनिफिट इनको मिलेंगे। जबकि अनौपचारिक वो होते हैं जिनको कोई भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता, इनको ऐसा कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्लियर? तो पहला पॉइंट, संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को औपचारिक श्रमिक कहते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को अनौपचारिक श्रमिक कहते हैं। सामाजिक सुरक्षा के लाभ, ये श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के लाभों को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, इनको ऐसा कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। नियमित अनियमित, ये श्रमिक नियमित वाले होते हैं, क्या होता है? रेगुलर टाइप के वर्कर होते हैं, जो कि आराम से सैलरीड, रेगुलर सैलरीड बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये नियमित श्रमिक होते हैं, क्या होते हैं? नियमित श्रमिक होते हैं। बट ये श्रमिक अनियमित होते हैं, क्या नहीं? अनियमित श्रमिकों की भांति होते हैं, अर्थात ये दैनिक मजदूरी वाले होते हैं। हर दिन दिन के हिसाब से, घंटों के हिसाब से इनको रखा जाता है, ये कैजुअल वर्कर हमारे, ठीक है ना। तो ये नियमित वाले होते हैं, ये अनियमित वाले होते हैं, नहीं दैनिक मजदूरी वाले होते हैं, ठीक है। आगे श्रम संघ, तो आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो ऐसे कि अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए, अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए ये श्रम संघ बना सकते हैं, और ये श्रम संघ नहीं बना सकते। यानी अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए भी ये संघ नहीं बना सकते। संघ मतलब यूनियन, ठीक है ना। तो ये यूनियन नहीं बना सकते, जुड़ नहीं सकते आपस में, बट ये जो है ना श्रम संघ बना सकते हैं, अपने आर्थिक हितों की को सुरक्षित करने के लिए श्रम संघ बना सकते हैं, अपने आर्थिक हितों की को सुरक्षित करने के लिए श्रम संघ नहीं बना सकते। तो आप ऐसे प्रॉपर को लिख लेना। आगे श्रम कानून, बाजार की अनिश्चितता। अब हमें पता है कि बाजार तो भाई अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है बाजार में, कभी तो अच्छा चलता है, कभी डाउनफॉल हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा ही बुरी स्थिति हो जाती है। तो इसने बोला बाजार की अनिश्चितताओं के बदले जो विभिन्न, जो अलग अलग हमारे यहाँ श्रम कानून है ना, इन्हें क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं, इनको सुरक्षा प्रदान मिल जाती है श्रम कानून से, ठीक है ना। बट इन्हें कोई भी श्रम कानून सुरक्षा प्रदान नहीं करता, नहीं करता भाई साहब इन्हें, ठीक है ना। इसलिए ये बाजार की अनिश्चितताओं से क्या होते हैं? अधिक संवेदनशील होते हैं। नहीं, जैसे ही बाजार में उतार चढ़ाव आता है, कोई भी दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं ये वाले। क्लियर है? कोई भी सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, श्रम कानून इनकी हेल्प नहीं करता, तो दिक्कत आ जाती है। तो एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूं मैं इसे मिटाने से पहले। संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को औपचारिक श्रमिक कहते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को अनौपचारिक श्रमिक कहते हैं। संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें 10 या 10 से अधिक क्या वर्कर काम करते हैं, और असंगठित वो होता है जिसमें 10 से कम काम करते हैं। इनको सामाजिक सुरक्षा के लाभ यानी जैसे भविष्य निधि, पेंशन, उपदान यानी ग्रेच्युटी का लाभ के अधिकारी होते हैं, इनको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। ये नियमित श्रमिकों की तरह होते हैं, ये अनियमित श्रमिकों की तरह होते हैं, अर्थात ये दैनिक मजदूरी वाले होते हैं, ठीक है ना। ये अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए, आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए श्रम संघ बना सकते हैं, ये श्रम संघ नहीं बना सकते। बाजार की अनिश्चितताओं, जैसे बाजार में अनिश्चितताएं होती हैं, तो उसके बदले में विभिन्न श्रम कानून इन्हें सुरक्षा प्रदान कर देते हैं, ताकि इनको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता इनके ऊपर, ठीक है ना। बट इनको कोई श्रम कानून सुरक्षा प्रदान नहीं करता, इसका मतलब अगर बाजार में उतार चढ़ाव आएगा तो ये क्या है, इनमें ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा जहां तक है।